सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की। गंगा चेतावनी बिंदु से 3.5 मीटर दूर, वाराणसी में एक दिन में 3.5 मीटर ऊपर चढ़ गई गंगा, डूब गए आधे घाट। गाजियाबाद के वेस्ट यूपी में बीजेपी नेताओं की नो एंट्री के पोस्टर, श्रीकांत केस में त्यागी समाज की 21 को महापंचायत, 7 राज्यों से आएंगे लोग। अलीगढ़ के रेलवे एसएस पर छेड़छाड़ का केस दर्ज, स्टेशन में तैनात महिला कर्मचारी ने दर्ज कराई FIR, 28 जुलाई का है मामला। आतंकी हबीबुल बोला नूपुर को जिंदा रहने का हक नहीं, ATS से कहा देश में अपनी हुकूमत बनाएंगे, 5 राज्यों में फैला नेटवर्क। मेरठ में गुंडागर्दी, युवक को सड़क से हॉस्टल तक पीटा, कार खड़ी करने के विवाद में पहले लातों से पीटा, उसके बाद हॉस्टल में खींचकर डंडे बरसाए। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार पर ईडी का छापा, 3 अन्य व्यापारियों के यहां भी खंगाले जा रहे दस्तावेज, लखनऊ की टीम ने की छापेमारी। पीलीभीत के सीओ सिटी की कार रोडवेज बस से टकराई, अस्पताल में चल रहा इलाज, फरुखाबाद से कुछ ही दूर पर हुआ हादसा। वेस्ट यूपी का आतंकी कनेक्शन, कभी ISI एजेंट पकड़े गए तो कभी सेना की छावनी के गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए। गाजियाबाद में 40 मिनट के लिए परिवार गया था बाहर, चोरों ने दिन दहाड़े घर में रखी नकदी और ज्वेलरी पर किया हादसा। चंदौली में शौचालय से लेकर मनरेगा तक में घोटाला, पूर्व प्रधान और सचिव पर 36 लाख के गबन की पुष्टि, DM बोले 15 दिन में करे जमा। मऊ में आर्य समाज ने निकाली तिरंगा यात्रा, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतिम दिन झोंकी ताकत, जिले की रोड तिरंगे के रंग में आई नजर। जन्माष्टमी में बुलडोजर पर सवार कान्हा, नटवर नागर, गलत काम करने वाले को देंगे सुधरने का संदेश, आज रात से कल रात तक अष्टमी। संत कबीर नगर में पिता पुत्र की गला रेत कर हत्या, खेत में चला रहे थे पानी, सोते समय किया हमला, मौके पर पहुंचे SP। बदायूं में कहा सोने के दौरान दराती से हमला, खाली जगह में पशु बांधने को लेकर पहले गाली गलौज हुई, फिर हाथापाई के बाद मारी दराती। आगरा में चोरी के सीसीटीवी में दिखा जानवरों का प्रेम, पड़ोसी की भैंस ले जा रहे थे चोर, बचाने के लिए पीछे पीछे भागता नजर आया पड़ोसी बछड़ा। बिजनौर सड़क हादसे में युवक की मौत, एक घायल, ट्रैक्टर और बाइक की हुई टक्कर, घायल को इलाज के लिए किया गया रेफर। फरुखाबाद में बघान नाले में मिला युवक का शव, हत्या के बाद शव फेंकने की आशंका, शरीर पर चोट के निशान मिले। हरदोई में दो युवतियों की आज प्रेम की गजब कहानी, एक शादीशुदा तो दूसरी अविवाहिता, दोनों करना चाहती हैं शादी। फिरोजाबाद में 11 दिन से हड़ताल पर अधिवक्ता, सर्किल रेट बढ़ाने पर कामकाज ठप, अब तक करीब 2 करोड़ के राजस्व का नुकसान। सोनभद्र के युवक की सड़क हादसे में मौत, ऋषिकेश में बस और बाइक की हुई थी टक्कर, एक अस्पताल में भर्ती, दर्शन करने जा रहे थे। शराब के लिए पत्नी को उतारा मौत के घाट, इटावा में रिटायर्ड फौजी ने पत्नी को मारी 3 गोलियां, बेटी ने पुलिस को दी सूचना। हाथरस में DM और SP ने बीमार महिला की मदद की, रास्ते में अपनी गाड़ी रोककर पहुंचाया अस्पताल, हाथरस से मथुरा जा रहे थे दंपत्ति। मथुरा जाने वाली सभी ट्रेनें फुल, जन्माष्टमी पर मथुरा जाने वालों ने ट्रेनों में बढ़ाई भीड़, 1.5 दर्जन ट्रेनों में 9 सीट। आजम पर रामपुर में दूसरा मुकदमा दर्ज, गवाहों को धमकाने में आजम खान सहित रिश्तेदारों का भी हाथ। अलीगढ़ में भारी वाहन नहीं करेंगे प्रवेश जन्माष्टमी के चलते, अलीगढ़ पुलिस ने 19 अगस्त के लिए लागू किया डायवर्जन, कई रास्ते रहेंगे नो एंट्री। गोंडा में करोड़ों की संपत्ति के मालिक की हत्या, बेटे को मैसेज कर मांगी थी 11 लाख की फिरौती, नहीं दिया तो मार डाला। मैनपुरी में बोलेरो से कुचलकर बुजुर्ग की हत्या, SP बोले आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम की गई गठित, 1 महीने से है फरार। आगरा नगर निगम में गाली गलौज करना, चालकों को पड़ा भारी, नगर आयुक्त ने सार्वजनिक रूप से लगाई उठक बैठक, लोगों ने बनाया वीडियो। गोंडा में छात्र को बेल्टों से पीटा, 4 युवकों ने पहले
पेट पीठ पर बरसाए डंडे, बाद में पैंट उतरवा कर पैरों पर मारे डंडे। कारोबारी से 6 लाख की लूट का वीडियो वायरल, प्रयागराज में दुकान में घुसते ही एक ने तान दी गन, दो बदमाशों ने कैश लूटा। बरेली के बहेड़ी में राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा, अपने आवास पर नसीम अहमद नियाजी का किया गया स्वागत। फरुखाबाद रोडवेज बस से टकराने से पीलीभीत के सीओ सिटी हुए घायल, सीओ को पुलिस ने लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। हमीरपुर में अज्ञात कारणों के चलते युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों में मचा हड़कंप। सुमेरपुर कस्बे के बस स्टैंड के पास का मामला। लखीमपुर में किसान फिर आंदोलन की राह पर, केंद्र के खिलाफ 72 घंटे का विरोध प्रदर्शन शुरू। राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस के सिपाही का सराहनीय कार्य, नहर में कूदकर बचाई युवक की जान, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मैनपुरी पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक नचिकेता झा, महानिरीक्षक ने तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। शाहजहांपुर में आम जनमानस मानव श्रृंखला बनाकर मनाया अमृत महोत्सव, एसपी ने किया निरीक्षण, बढ़ाया उत्साह। संभल में नशेड़ियों ने साथी नशेड़ी की डंडे से पीट पीट कर दी हत्या, पुलिस ने दो नशेड़ियों को गिरफ्तार कर हत्या का किया खुलासा। सोनभद्र में आजादी का अमृत महोत्सव सप्ताह का समापन, विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आज पुलिस लाइन चुर्क में किया गया भव्य समापन। मुख्तार अंसारी और उनके करीबी लोगों ने ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, दिल्ली लखनऊ गाजीपुर समेत कई ठिकानों पर पहुंची ईडी। बुलंदशहर में महिला पर किया फावड़े से हमला, वीडियो वायरल, खेत में सिंचाई के लिए पाइप लगाने पर हुआ जेट से विवाद, 3 पर मुकदमा दर्ज। चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेलर ट्रक में लगी भीषण आग, हाईवे पर जलते ट्रेलर ट्रक से मची अफरा तफरी। गोंडा में युवक को तालिबानी सजा देने का मामला आया सामने, एसपी आकाश तोमर ने लिया संज्ञान, सजा देने वाले 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमीरपुर में खुदाई के दौरान मिली प्राचीन विष्णु की मूर्ति, मजदूरों को गांव में खुदाई के दौरान मिली मूर्ति, ग्रामीणों ने। कन्नौज में स्क्रैप कारोबारी का पेड़ से लटका मिला शव, सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में मगरमच्छ निकल आने से इलाके में लोगों में दहशत, बड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर चिड़ियाघर भेजा। हमीरपुर में घर से 20 वर्षीय युवक का हुआ अपहरण, अपहरणकर्ताओं को फिरौती न मिलने पर युवक की पीट पीट कर हत्या। कानपुर के नौबस्ता के ब्लॉक में लुटेरों ने दिया लूट की घटना को अंजाम, महिला की चेन तोड़कर बाइक सवार लुटेरे हुए फरार। आजमगढ़ नवोदय विद्यालय के बच्चों ने छात्रावास में किया कैद, खाने की गुणवत्ता और दूषित पेयजल सहित कई समस्याओं को लेकर उठाया कदम। लखनऊ में तिरंगा यात्रा उपद्रव मामले में 2 चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर, जेल में बंद हिस्ट्री शीटर के साथियों ने किया था पथराव, 11 की तलाश। मुजफ्फरनगर में संगीत संध्या में राष्ट्रध्वजों के साथ अमृत महोत्सव का समापन, एसएसपी ने बलिदानियों को किया याद। बाराबंकी में विजिलेंस टीम को ग्रामीणों ने घेरा, स्थानीय लोगों ने किया गाली गलौज और अभद्रता, विद्युत कर्मियों ने पुलिस को दिया शिकायत पत्र। मथुरा में दिख रहा जन्माष्टमी का उत्सव, हर चौराहे पर गाई जा रही बधाई, जन्मस्थल पर भक्तों को होंगे कृत्रिम कारागार के दर्शन। मेरठ के वरिष्ठ कवि बलजोर चिंतक का निधन, लंबे समय से बीमार चल रहे थे, 6 काव्य संकलन हो चुके हैं प्रकाशित। अंबेडकर नगर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बोलेरो की आमने सामने की टक्कर, 1 की मौत, 9 घायल। गोंडा में हेलमेट बाबा कर रहे बाइक सवारों को जागरूक, 15 सालों से कर रहे जागरूक गोंडा यातायात, पुलिस ने लगाई चौपाल। औरैया के स्कूल में मटकी फोड़ कर मनाया जन्माष्टमी का त्योहार, वृंदावन की तर्ज पर की गई सजावट, बच्चों ने कृष्ण राधा बनकर प्रस्तुति दी। मेघालय के राज्यपाल आए मथुरा, वृंदावन में बाबा नीम करौली की समाधि के किए दर्शन। बलरामपुर में रेप के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई, नेपाल के 2 किशोरियों के साथ 4 ने किया रेप।
हाथरस में जिला अस्पताल के सफाई कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया, वेतन में बढ़ोतरी की मांग, बोले अन्य जनपद की तरह यहां भी मिले वेतन। कानपुर देहात में सिकंदरा के सरकारी स्कूल में बच्चे लगा रहे झाड़ू, फर्श पर बैठने की जगह को कर रहे साफ, बीईओ ने शिक्षकों की मांगी स्पष्टीकरण। अमरोहा में राष्ट्रध्वज का अपमान, तिरंगे से ऊंचा लहराया धर्म विशेष का झंडा, एसपी के आदेश के बाद तिरंगा किया गया ऊंचा। फतेहपुर में ट्रेन की चपेट में आकर किशोरी की मौत, रेलवे लाइन पार करते समय हुआ हादसा, ठीक नहीं थी लड़की की मानसिक हालत। रामपुर नगर पालिका परिषद की टेंडरिंग की जांच की मांग, टेंडर कर समय नियमों का पालन नहीं करने का लगाया। पीलीभीत में पति के अंतिम संस्कार की रीति को लेकर पत्नी अड़ी, बोली ईसाई रीति से होगा, ससुराल वाले बोले हम सनातनी। कौशाम्बी में पेट्रोल पंप पर 8 सेकंड में मारे 7 थप्पड़, पेट्रोल भरवाने को लेकर हो गई थी कहा सुनी, पीड़ित को पुलिस ने रात भर लॉकअप में बैठाया। फिरोजाबाद में अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, सोफीपुर से थारपूठा स्ट्रिंग का मामला। बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर पर फिर दर्ज हुआ मुकदमा, हत्या के प्रयास का मामला हुआ दर्ज, पूर्व विधायक के भाई ने की शिकायत। बुलंदशहर में बीएसए के आवास पर जाते भाजपा जिलाध्यक्ष का वीडियो वायरल, आवास पर जाने की बात को जिलाध्यक्ष ने नकारा था। शामली में पिकअप की टक्कर से महिला सफाई कर्मी की मौत, 3 घायल, हालत नाजुक, आक्रोशित परिजनों ने रास्ता किया जाम। मुरादाबाद में 3 यूट्यूबर्स के खिलाफ मामला दर्ज, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप, थाना पाक बड़ा में दर्ज हुआ मुकदमा। रायबरेली जिला अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रहा बेड, अस्पताल के बाहर पत्थर के सीटों पर मरीज लेट कर अपनी बारी का इंतजार कर रहे। पीलीभीत में तिरंगा का अपमान करने पर युवक को सशर्त जमानत, एसडीएम ने 3 दिन घर घर झंडा बांटने की सजा दी। ललितपुर में पैसे के लेन देन में 2 पक्षों में मारपीट, गुल्लक से 3 रुपए निकालने पर हुआ था विवाद, पुलिस को नहीं दी तहरीर। बांदा में टायर फटने से कार पलटी, 1 की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल, ओमनी में बांदा जा रहे थे। पिछहत्तर जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।